निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकेरा में 18 सितंबर 2022 को 32 वर्षीय महिला की पति के द्वारा मारपीट होने से मौत का मामला सामने आया है। जब हमने मृतिका के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया है कि हमारी बहू पिसाई कराने गई थी, इसी को लेकर के पति पत्नी में विवाद हो गया और पति ने लाठियों से मारपीट कर दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पिसाने गई थी, पिसाने नहीं दिया, बाबा ने मार दिया। इसके पहले कभी कहीं पर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हुआ मम्मी के साथ पापा के साथ? हाँ। कब जानकारी हुई इसके पहले कुछ बताया आप बहन ने आपको? हमको नहीं बताया है, पहले वही थी, एक दो साल पहले थोड़ी बात वही थी तो हम समझ आए थे, हमें तो बात ना करो भैया की बात है, हमने जैसे तीन ठोमा भाड़े जैसे परेशान ना हो जाए तो हम लोगों ने समझाया है भी जब से नन्हिया और झगड़ा नहीं। लगभग शादी कितने दिन हो गए? शादी हो गई उनको 15-20 साल है। हो तो फिर हम ने काम किया है, कहना जी आठ भाई आई थी भी प्रेम से हमने पहुंचाया है और फिर हमको फिर पता नहीं पड़ा, जब से हमको ना बात बताया कुछ पता नहीं पड़ा है, फिर हमको फिर भी 12 बजे रात की फोन गाओ कि बहन को इनने पहले बताया कि खूंटा पे से गिर गई, वो खूंटा पे से हमने फिर नीचे पतो पारो, हमने खूंटा पे बात है, फिर हम घर आए, फिर हमें पता है कि 3-4 लोगों ने मारा है इनने, किसी ने बताया नहीं है, हम भानिज को बुलाया तो भानिज को इनने आने नहीं दिया हमारे पास, इतने में हम पहुँच नहीं पाए, 5 मिनट में इनने पुलिस बुला ली, हमें अंधा नहीं जाने दिया है, ना हमसे बात कह दी, भानिज ने को हमारे पास नहीं आऊँ दो, हम क्या करें बताओ, पुलिस वहाँ से हमने भैया को वहाँ जान दो, जब हम लाश उठाएँ तो पुलिस वाला बोली कहे तुम क्या होना है, हमसे ना उनने बात पूछवाई ना कछु कह दी पुलिस वालों ने, किसी ने कोई बात नहीं कह दिया, हम लोग जब भैया को वहाँ जाते हम लाश उठवाएँ तो ना हमको कहते तुमको क्या करना है बहन में से, अब नहीं है तुम्हारी बहन, हम तो ले जाएंगे लाश ले जाएंगे, तो भाड़े देखो हमारे पास नहीं आऊँ दे रहे। जो मौत हुई है आपको मौत का क्या कारण लगता है? मौत को तो ना लाठी से मारा है 3-4 लोगों ने, अकेले नहीं मार सकती, जब हमें लाठी देखी, यह लाठी है कान पर, यहाँ लाठी है, इधर लाठी है, इधर लाठी है, पुलिस वाले ने भी तो जा ही नहीं दिया हमको, हमने खुद देखा है आँख से देखी आई थी तो लाठी उछी है होता, तो हमें शिकायत थे उनकी नंद थी, उनकी भैया बड़ो और उनकी दीवानी भी बड़ी है, सास भी है उसमें हाथ है, कोई गांव वाली बता नहीं है, भाने से हमसे पूछ नहीं दिया, भाने हमें बता रहा हो कि हम मामा बता नहीं पाए डैन की माएँ, तो भाने जाकर मामा हम बताऊ थे तो हमें जी माएँ दी थे, तो भाने जमा कछ डैन की माँ कह नहीं पा रहा, रातें हमने बात करी, भाने उसको जी बात नहीं कहने दे रहे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, दोनों में जैसा झगड़ा हुआ हो हमें तो पता नहीं, हम तो सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, सो गए थे, हमें नहीं मालूम किस बात पे से लड़ाई हो गई क्या हो गया, वो तो ये बोल रहे थे कि पिसाने के लिए गई, पहले उनने मना भी किया मत जाओ लाइट नहीं है अच्छी मत जाओ, सुबह हम जाएंगे तो पिसा के ले आएंगे, बात नहीं मानती थी इसलिए चली गई, लेट आई इसके कारण पिसा के भी नहीं लाए, तो वे गुस्सा हो गए, जो बात हुई हो तो मार दिया तो बस खत्म हो गई, मौके पे ही हो गए थे। हाँ। किस चीज़ से मारपीट की थी? डंडा था ना। काहे का डंडा मारा था? ये था बांस का डंडा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं, हम तो रोटी खा कर सो गए थे, पानी बहस रहा हो तो जब जे बच्चे चल ले आने, इसके बाद हम बाहें कड़ी जन उनको कम बोकाम ही होगा, तो बस इतने की बात है। इस तरह की जो घटना हुई है कैसे हुई है? हमने देख ही नहीं पाई, हम कैसे बता दें कि कब जैसे हुई है, हम तो जैसे सो रहे थे, जैसे हल्ला मचा सुबह है कड़ी और उतर आए सुने से डेली में नहीं, बस तो आप लोग कहीं लेने गए थे फिर? नहीं तो वो गाड़ी मंगा के बस गाड़ी में बैठा लो, उनने दम टूट दी सुबह गम खा गए। कितने का है, कब की घटना है? ये 9-10 के बीच में की बोला, बिन्ने सब ने घर बार ने जोड़ के मारो, एक जनों तो मान नहीं सका, एक जने को तो फेंक के भाग लेती। इसके पहले परेशान करते थे कभी? नहीं कर, बिन लोगों ने कई में मारो, सिकाय में मारो। किसके सिकाय में? अब उनके घर ही घर में बहुजे के आज इसको मान नहीं। इसके पहले कुछ आपकी नंद से बात हुई या कुछ बताया इतने साल से जब से शादी हुई? किसी ने नहीं बताया, ना नंद ने बताया। मैं कल दिनांक 18/9/22 को ग्राम सकेरा बड़ारन के डगा ताला खिरक से सूचना प्राप्त हुई थी कि सुरेश केवट
निवासी डगा तालाब, वो अपनी पत्नी के साथ घरू विवाद पर झगड़ा हुआ था, आटा चक्की से गेहूं पिसवाने की बात पर से। जो सुरेश केवट ने अपनी पत्नी को मारपीट लाठी से किया, जिस मारपीट पर से पत्नी बबीता केवट की मृत्यु हो गई थी, जिस पर से प्रथम दृष्टया अपराध हत्या का पाए जाने से विधिवत कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।